नमस्कार, बहुत स्वागत आपका डिबेट में। एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं एसजीवी न्यूज। सर, बहुत स्वागत डिबेट में। और देखिए, एक बार फिर से मैं और आप जुड़ चुके हैं और आज चलिए एक बहुत अहम मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हैं सत्यपाल मलिक? कह रहे हैं मोदी की औकात नहीं है, 5 राज्यों में जाट हैं, मुझे कुछ हुआ तो इनको बता देंगे। ये किस तरीके से धमकी दे रहे हैं सत्यपाल मलिक? देखिए, मोर्चा तो आपने खोल लिया है, आपने पुलवामा हमले की बात को लेकर पूरे जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने पुलवामा पर बहुत बड़ा झूठ बोला, वो तो अलग बात है, लेकिन ये औकात वाली बात, राजनीतिक गद्दी पर आप हैं और आप इतने सम्मानजनक रहे हैं। सर, ये बताइए किस तरीके से ये कह रहे हैं कि मतदान दे दीजिए वरना अगले बार प्रधानमंत्री आपको लायक नहीं छोड़ेंगे, लोकतंत्र खतरे में है। इस पर आपकी बहुत अहम टिप्पणी क्या होगी? बहुत जरूरी हो गई बातचीत करनी। ऐसा है कि सतपाल मलिक जी काफी एजेड हो गए। दूसरी बात, उनका वेट भी ज्यादा है, डायबिटिक भी है और वो हमेशा शुरू से बड़े महत्वाकांक्षा रहे हैं। बस ये है कि दिल्ली में इनको मोस्टली यहाँ आसपास बोला जाता, ये बातचीत बहुत करते, तो इनको तो ये कई राजनीतिक दलों में रहे, भारतीय क्रांति दल में रहे, दमकिपा में रहे, लोक दल में रहे, सपा में रहे, बीजेपी में रहे, कांग्रेस में रहे, सभी जगह ही रहे और इनको बड़ा अनुभव हर दल पे रहने का, और एक अच्छा नेता था। परंतु इनको उम्मीद थी कि इसके बाद मैं उपराष्ट्रपति बन जाऊंगा, ये राज्यपाल भी रहे, तो ये उपराष्ट्रपति बने नहीं, उनकी जगह धनखड़ जी बन गए। इनकी विश्वसनीयता नहीं रही, ये जहां भी सत्ता देख लेते उसी हिसाब से, और महत्वाकांक्षी बहुत अधिक। दूसरी बात ये भी है, कुल मिला के ये आदमी ठीक है पॉलिटिकल रूप से काफ़ी कुछ, मगर ये बहुत हमेशा बहुत लंबे ख्वाब में रहे, वो ख्वाब इनको मिल नहीं पाया। ये काफ़ी सौदे उदे में रहे मगर वहाँ उनका कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। उधर क्या हुआ कि काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप ने भी इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया, ये भी इनकी कमी रही कि चूंकि इनके साथ जो लोग रहे। आप इनके बारे में मैं आपको छोटी सी बात बता दे रहा हूँ कि ये पहले व्यक्ति थे जिनका ट्विटर अकाउंट में सिर्फ एक समय एक ही अकाउंट था, जब जम्मू कश्मीर में थे, ठीक है, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री वो इमरान खान का अकाउंट और इनका अकाउंट सिर्फ एक ही था, डेली वो ओके करता था इनको, ये इनकी वो। दूसरा, ये जम्मू कश्मीर में भी चूंकि सब कुछ अमित शाह इनका था तो एक प्रकार से रबर स्टैम्प टाइप के थे, ठीक है, ये हर जगह रबर स्टैम्प रहे, मगर चूंकि जाट थे इसलिए इनको काफी स्थान दिया जाता था। इनका क्या है, ये एक्चुअली में बंगला चाहते हैं, पोस्ट चाहते हैं और काफ़ी अधिक जेट सैनिक की सुरक्षा चाहते हैं। जेट सैनिक की सुरक्षा के लिए आदमी भी वैसा, वो आदमी को सुरक्षा तो दे दी जाए, अब उसको बैठने के लिए, उसके पानी के लिए कोई पूछे ना, तो ये इनका बिहेव भी रहा सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने लिए जीना रहा। इनके कुछ आदमी भी रहे तो जहाँ जाएँ गवर्नर आए वहाँ इनके आदमी पहुँच जाते थे, वो अपनी चलाते थे अपने सिस्टम, वो सिस्टम कहीं चल नहीं पाया, ठीक है, चूँकि ये कहीं पर भी रहे तो अपनी इज्जत टॉप की नहीं बना पाए। थोड़ी दिन बाद इनके व्यक्तिगत आदतों की वजह से यही पोजीशन रही। अब इन्होंने एक बार बताया 300 करोड़ रुपये का हमारे रिश्वत मिली, वो मामला ही इतना बड़ा नहीं था। बाद में जब उसमें भाई FIR हुई, जांच हुई, तो कहते मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, गया था मुझे नहीं मिला, तो बड़ी जल्दी अपने लिए माफ़ी मांग लेते हैं, अपनी बात से पलट गए। उसके बाद क्या हुआ, जब जांच हुई तो ये हुआ कि CBI आपके यहाँ आएगी, खैर उनके अधिकारी इनके यहाँ गए बड़े सम्मान से इनकी बात की। अभी इन्होंने क्या किया, जाटों को और किसानों को एक किया अपने घर पे, 100 खाल लोगों के खाने की व्यवस्था। सर, कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा है कि जाटों का हवाला देकर एक जाट समुदाय को भड़काने की कोशिश की जा रही है? ये कहना है जाट समुदाय इनके कहने पे भड़क नहीं सकता है। इन्होंने अभी कहा कि 5 राज्यों के जाट हैं, मुझे अगर कुछ हुआ तो इनकी औकात नहीं है, बिल्कुल इनका इलाज कर देंगे जी। तो आपको बताना है, पहली बात तो जाट इनके साथ नहीं, और इनके लिए जाट ऐसा नहीं कि सड़कों पर उतर आए सब जगह आगजनी करते, जाट बहुत समझदार, जाट देश के लिए लड़ता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ता। दूसरी आपको बताना है कि इन्होंने 300 करोड़ रुपए वाले में माफ़ी मांग ली, कह दे हमारा ट्विटर अकाउंट फर्जी था और हमने कभी ऐसा नहीं कहा, तो ये बड़ी जल्दी पलट जाते हैं, इनकी एज का इनका ख्याल किया जाता है, ठीक है, परंतु ये उस चीज़ को कायम नहीं कर पा रहे हैं। उसका रिजल्ट है कि अपनी ये कैपेसिटी दिन पे दिन गिराते जा रहे हैं और अपनी बिल्कुल मिट्टी में अपनी ही हस्ती मिटाते जा रहे हैं। इन्होंने ये भी कहा 2024 में जो है अगर आप लोगों ने वोट नहीं इनको दिया
तो ये खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो इतने बड़े भविष्य वक्ता नहीं है ये, ना ही कोई इतने बड़े राजनीतिक है। ये चूंकि चाह रहे हैं कि इनको कोई कुछ बना दे, अफसोस की बात है, ना सपा कांग्रेस इनको लास्ट समय भेज रही और ना ही कांग्रेस भेज रही, कोई भी इनको हर एक जने दूर रख रहे हैं। अब ये फिर लगे हैं कि कहीं हमें किसी तरह मिल जाए, ना केजरीवाल इनको मान ला। दूसरा तो ये देखिए, आप बोल रहे हैं कि किसी बड़े पद की चाहत रख रहे हैं, वो नहीं मिली तो अब मोर्चा खोल दिया। सर ये बताइए कि अडानी मामले को लेकर भी चुप्पी नहीं साध रहे हैं, कह रहे हैं कि 3 साल में इतने शक्तिशाली बन गए अडानी, करप्ट हैं, क्या कहेंगे? और ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी को कोई बहुत ज्यादा नफरत नहीं है करप्शन से। सर ये किस बात का संदेश है? मैं कश्मीर में जब थे तो आपको बताना है कि कई अधिकतर पॉलिटिकल लोग चाहते हैं कि हम पर्ची भेज दें, कुछ कर दें, राजनीतिक लोग ये पूंजीपति हमारा। ठीक है ठीक है। इन्होंने अडानी को ग्रिप में लेने की कोशिश भी की जब ये वहाँ थे, अडानी ने इनको उतना भाव नहीं दिया, इनके हिसाब से भाव दिया, तो इन्होंने ये बात कह दी अडानी के लिए। फिर ये वहाँ चले गए नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में, वहाँ पर भी इन्होंने बात की। ये इसी जरिए अडानी को गर्दन में लेना चाहते हैं बीजेपी को, कि बीजेपी इनके लिए कुछ कर दे, मगर अफसोस की बात है इनके लिए कुछ भी कोई कुछ करने को तैयार ही नहीं। इनको कोई गवर्नर तक बनाने की बात नहीं, कोई एडजस्ट करने की बात नहीं, कोई भी किसे इनके बरबोलेपन की तरह की वजह से इनका बेटा भी इनसे नाराज रहता रहता और इनकी जो स्थिति है पॉलिटिकल वो अच्छी नहीं है। दूसरा क्या, अब ये इनका यह भी कहना है कि वोट देने का मौका जनता को मिलेगा तो उसको है क्या कि ये शरीफ आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनको लोग मिसगाइड किए हुए हैं और कई पॉलिटिकल लोग इनको के दादा आप बोल दो, ये छपास रोगी भी हैं बहुत ज़्यादा, अगर मीडिया चला जाता तो ये अपना संतुलन खो देते हैं। आए बाएं पत्रकारों को भी बड़े हिसाब से इनसे पूछ लेते हैं। अब जैसे इनसे पूछ लिया कि अगर आपको कुछ हो गया तो इन्होंने कहा अगर हो गया तो 5 राज के जाट जी बता देंगे, औकात की बात कर दी। जाटों में एक खासियत ये भी है कि जाट बड़ी साफ बात करते हैं, हकीकत ही है, और जाट जरा से भी उसमें स्वाभिमान में जाट स्वयं तुरंत ही अपना मतलब जाट स्वाभिमान के लिए हर तरह से अपनी बाजी लगाने को तैयार है। ठीक है। इनकी पोजीशन ये जाटों के नेता ना कभी थे ना अब है ना ही आगे होंगे। दूसरे पब्लिक के लिए भी कह देते हैं कि पब्लिक इसको वोट दे, इनकी अब वो अहमियत नहीं जो इनकी बात माने। खट्टर इनको मानते नहीं, हुड्डा इनको मानते नहीं, जितने जाट लीडर ने इनको मानते नहीं, यूपी बीजेपी वाला मानता नहीं, जो राजस्थान बीजेपी के जाट है वो मानते नहीं, दिल्ली बीजेपी के जाट वो मानते नहीं। ठीक है। तो ये परेशान आखिर करे क्या, अब इनका वो स्टेमिना नहीं रहा, मगर अभी भी चाह रहे हैं कि मुझसे सब लोग पूछें। तो इनको ना ही जट सैनिक की सुरक्षा मिलने वाली, ना ही इनको बंगला मिलने वाला, ना ही आईबी सिक्योरिटी मिलने वाली। ठीक है। चूंकि ये उतने कैपेबल नहीं, तो कुल मिला करके ये इसी उसमें लगे हैं कि हमको अच्छा वो मिल जाए और शायद ये सपा या कांग्रेस दे दे, हकीकत में इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और ये इनका ये आखिरी चली चला का बेला है और हमें लगता है ऐसे बोलते रहें तो इनको बरबोलेपन में इनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे और ये परेशान हो जाएंगे। ठीक है। ये राज्यपाल जरूर रहे परंतु राज्यपाल हटते ही वहाँ पे कोई विशेष सम्मान इनका नहीं रहा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और सत्यपाल मलिक के बारे में बताने के लिए कि व्यक्तिगत राय उनकी क्या होगी और किस चाहत के साथ वो प्रधानमंत्री पर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, औकात की बात कर रहे हैं, 5 राज्य में जाट हैं, किस बात का हवाला दे रहे सत्यपाल मलिक, मैं चाहूंगी जनता मुझे बताए। सर बहुत शुक्रिया, देखने वाली बात होगी जनता इस पर क्या रिएक्ट करती है। तो आपकी जो भी राय सत्यपाल मलिक के इस बयान को लेकर कमेंट कीजिए।